दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों हम हैं नागौर मेले में और काफ़ी खूबसूरत घोड़े घोड़ियाँ यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं आपको। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, परिचय दे दीजिए सर आपका। दीप साई स्टड फार्म भगतपुरा सीकर से। सीकर से है। सीकर से। अच्छा, तो ये सारे नौकरी हैं सर? सारे नौकरी। तो कौन से घोड़े हैं, घोड़ियाँ? घोड़ियाँ हैं, एक बच्चा है घोड़े में, एक है बच्चा है, सारी घोड़ियाँ हैं, बच्चियाँ हैं। अच्छा, तो सर जैसे हम इधर से निकलते हैं तो एक अट्रैक्ट ये होता है आपका अट्रैक्शन में, तो ये काफ़ी हाइट की जो घोड़ी हाँ, अपने अभी नागौर मेले में सबसे टफ की हाइट में यही जान। तो क्या है सर हाइट इसकी? इसकी 64 प्लस है, 65 के लगभग। 64 है। अच्छा, 65 तक है। अच्छा अच्छा, क्या कौन सी लाइन से हैं ये? ये हाथी घोड़े की लाइन से है, हाथी घोड़े के भाई का घोड़ा है ना, उससे है। पंजाब का बोर लाइन से। अच्छा, टोटल कितने हैं सर? टोटल 9 नंग है अभी। 9 आप लेके आए? 9 लेके आए। सारे अपने घर के हैं? घर के सारे। अच्छा अच्छा, तो सीकर तो घोड़ों के मामले में काफी फेमस है। हाँ हाँ, सीकर में खूब है, सीकर में खूब है घोड़े। तो आपका कब से है सर इस लाइन में? इस लाइन में तो वैसे पीढ़ियों से है, बुजुर्गों की टाइम से चल रहा है। हाँ, नुकरी। अच्छा, नुकरों में पहले भी नुकरी रखते थे? पहले से नुकरी थे, मारवाड़ी भी थी, लेकिन फिलहाल अभी नुकरी है ज्यादा। नुकरी है ना? हाँ। अच्छा, तो मारवाड़ी से आप नुकरी में आए? मारवाड़ी से नुकरी में। अच्छा, तो मारवाड़ी से उसका कोई रीजन बता सकते हो सर? ना ऐसे ही मार्केट के हिसाब से। अच्छा, मार्केट के हिसाब से। हाँ हाँ, मार्केट के हिसाब से चलते ना। मार्केट में अभी फिलहाल अपने नुकरे का मार्केट ठीक चल रहा है यहाँ, तो मार्केट के हिसाब से। अच्छा, तो इस हिसाब से आपके पास में काफी वैरायटी भी? हाँ, सारे फेमस घोड़ों के जानवर जितने हैं वो सब। अच्छा, जो भी फेमस घोड़ा है? हाँ, उन लाइन से सारी। तो सर ये वाला बता दीजिए सर थोड़ा थोड़ा। इसके बारे में सर, ये कौन सी लाइन का है, क्या हाइट वगैरह है इसकी? ये अननोन लाइन से है ये तो। एक तो इसकी हाइट है 62। अच्छा, और ये है अपना अबोर लाइन से, इसकी 62 हाइट है। अच्छा जी, अबोर लाइन से है ये। और इसका परिचय हो ही गया आपको? जी जी, हाथी घोड़े की है। हाँ 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 हाँ। नाम रखा क्या इसका? लक्ष्मी। लक्ष्मी है ना? अच्छा, हाँ किशोर जी, ज्वालामुखी। हाँ, ये ज्वालामुखी की है। अच्छा, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पंजाब का घोड़ा। पंजाब का घोड़ा। हाँ हाँ, ये पंजाब के ही फेमस स्टालियन है, उनके जानवर है सारे। अच्छा अच्छा, अपने यहाँ इधर नागौर में सीकर में स्टालियन फेमस नहीं है, नुकरे में। जी जी, पंजाब में ज़्यादा है फेमस। और वैसे ये वैरायटी ज़्यादा पंजाब की ही है, देन नुकरे की। ये बच्ची है अदंत। अच्छा, बच्ची है ये? बच्ची। तो बच्ची में सर काफ़ी इतनी हाइट चली गई है। खूब हाइट बढ़ेगी सर इसकी तो काफ़ी। हाँ 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 हाँ, ये बड़ी घोड़ी जितनी दिखती है अदंत बच्ची है, 15-16 महीने की हुई है अभी तक। और इसके बाद में है वो बच्ची है 9 महीने की। अच्छा, वो है ज्वालामुखी की। अच्छा, इसकी भी काफी अच्छी हाइट है। हाँ, उसकी भी 9 महीने में खूब हाइट है। इधर से आ। ये हैदर घोड़े की है, पंजाब में है हैदर घोड़ा। अच्छा, हैदर घोड़े की। हाँ, ज्वालामुखी का भाई है हैदर घोड़ा, उसकी है। हैदर घोड़े की बच्ची है। तो ये दोनों तो रिकॉर्ड तोड़ सकती है सर। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अभी ये 9 महीने की हुई है, अभी 9 महीने से गुण से टाइट हो गई इसकी। अच्छा, 69। हाँ, 59 हो गई है। हाँ, 59। ये प्रिंस की बच्ची है। अच्छा, ये प्रिंस की बच्ची है। इसकी डिमांड सर क्या है सर इसकी? इसकी प्राइस 10 लाख रुपए की है सर। 10 लाख रुपए की। और उसकी जो सबके सबसे हाइट की है आपकी, जो हाथी घोड़े की, जो उसकी 21 लाख रुपए। 21 लाख। हाँ जी। और इधर बाकी ये प्रिंस की बच्ची है। प्रिंस की है। हाँ, ये भी पंजाब से है, बोलैंड। और ये अनोन है। अच्छा, ये भी ना इनका कन्फर्म नहीं है। और ये समुद्र की बेटी, डायरेक्ट समुद्र की बच्ची है ये भी। डायरेक्ट समुद्र की, डायरेक्ट समुद्र की है। वो अभी रिलायंस में चला गया समुद्र तो। अच्छा अच्छा, हाँ, रिलायंस वालों ने खरीद लिया उनको, लेकिन डायरेक्ट समुद्र की बच्ची है। ये बच्चा है। और ये दिलबाग घोड़े का बच्चा है। दिलबाग घोड़े का है, मिड्डे वाड़े का। अच्छा, घोड़े का कद उसका 17 इंच उसका। अच्छा, 12 महीने का।
70 इंच का दे उसके बाप का ना। अभी 13 महीने का हुए है। 13 महीने का। हाँ, 59 हाइट है इसकी। अच्छा, तो हाइट काफी मायने रखती है। हाइट का मायने। इस हिसाब से आपने यही पर्पस रखा कि अच्छे हाइट बाद जो घोड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो भी आपने जो हॉर्स बताए स्टेलियन बताए हैं काफी फेमस रहे हैं और काफी अच्छे रहे हैं। हाँ जी, उन्हीं का आपने रखा है। तो सर आपका कब से है सर इसके अंदर इंटरेस्ट, कब से रहा सर, कब से इस लाइन में है सर? ये तो शुरू से है, शुरू से पीढ़ियों से है। वैसे ज्यादा जानवर अभी किए करते हैं। अच्छा अच्छा, एक दो तीन तो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, बुजुर्गों के टाइम से। तो सर जी कॉन्टेक्ट नंबर आपके? हाँ, वो अपने उसमें ना पोस्टर में लिख रखा है। तो ये कैसा है सर मेला जो है, कैसा है सर? अभी तब स्टार्ट हुआ है मेला, अभी तो आए हैं, मेला अभी बढ़ रहा है। देखेंगे मंडी कैसे रहेगी, तेजी में रहेगी या मंदी में रहती है। मेले पे अभी आए नहीं है सारे जानवर, भी नहीं आए अभी, वो कल परसों कल शाम तक आएंगे सारे व्यापारी है, घोड़ा घोड़ी भी अभी नहीं है। शादियों का सीजन है ना, कल एक सवा है बड़ा। अच्छा। उसकी वजह से अभी तक जानवर नहीं आ पाए, किसी के रिश्ते में शादी है, किसी के और है, ऐसे रिश्ते से शादी की वजह से थोड़े डिस्टर्ब है लोग। कल तक सारे आ जाएंगे व्यापारी लोग है, घोड़ा घोड़ी लेके जानवरों वाले, जानवर भी आए नहीं अभी तक पूरा, आ जाएंगे कल तक आ जाएंगे। काफ़ी अच्छा है। अच्छा अच्छा, नागौर मेला अच्छा रहता है वैसे बहुत। और भी मेले अटेंड करते हो सर आप? हाँ, पुष्कर है, बलोतरा है, या हनुमानगढ़, गंगानगर, मोक्षर, सारे मेले। वैसे जानवर तो कम ले जाते हैं, लेकिन देखने जरूर सब में ही जाते हैं जानवर, किसी किसी पुष्कर में, नागौर है, बलोतरा, इसमें एक दो जानवर ही ले जाते हैं वहाँ पंजाब की साइड। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी एक्सपीरियंस मिल भी जाता होगा। बहुत 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 अनुभव तो होता ही है, जिस मेले में जाओ उतना ज़्यादा आदमी मिलेंगे, जितना ज़्यादा अनुभव, सब अपनी अपनी सलाह मशवरा देते हैं। तो जो भी सर नया जो इस लाइन में आना चाह रहा है तो उसको मेले वगैरह में भी घूमना चाहिए। मेले में घूमने से अनुभव होता है, मंडी का अनुभव मेले से ही होता है। मेले में घूमना चाहिए, जो नया आदमी है वो किसी की सलाह मशवरे से, किसी जानकार से सलाह लेके इस फार्म में, इस लाइन में आएगा। थोड़े लाइन के फेमस घोड़े हैं, उनसे हाइट वाले जानवर और अच्छी नस्ल के लाएंगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो आपका तो सुर मतलब फैमिली का हो गया था। हाँ 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 हाँ, ये तो हमारा फैमिली है ना, पुराने टाइम से पैदाइशी चलता है। एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, पुराने टाइम से। आपका कोई फेमस घोड़ा जो आपको याद है सर? नहीं, हमने सांड अभी नहीं, स्टालियन नहीं बनाया है। घोड़ा घोड़े आपकी लाइफ के अंदर कोई यादगार घोड़ा या घोड़ी रहा होगा जिसका जिसको आप हमेशा याद रखना चाहोगे, तो वो कौन सा है सर? ऐसे चलता रहता रोटेशन में। आते रहते जाते रहते तो होता ही। राइडिंग वगैरह का शौक है या केवल पालने का ही शौक है? राइडिंग का तो शौक कम होता है, शुरू शुरू में जब उम्र कम होती है तब होता है ज्यादा राइडिंग का, तो अभी तो वैसे शौक से पालने का ही शौक है। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए, आपका एक्सपीरियंस आपका भी। ओके।